बिल्कुल अच्छी फीलिंग रही है और खुशी की बात है। आई मीन पहली जीत हमेशा इम्पोर्टेंट होती है एक मोमेंटम के लिए, और वो जीत हमें चाहिए थी। हम लास्ट टू लास्ट गेम अगर हम मुंबई से मैच तरफ बात करें या फिर उसके बाद बेंगलोर में जिस तरह से बॉलिंग एफर्ट रहा है हमारा, हमें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है आज, स्पेशली फास्ट बॉलर फिर स्पिनर्स ने जो जिस तरह से कमांड किया गेम को बहुत अच्छा था। और 128 मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका बैटिंग आना बहुत अच्छा है। उन्होंने आप जैसे भी देखेंगे कि क्या पिछले 3-4 मैच में अच्छा 200-190 से रन बना रही है, इस तरह से बॉलिंग करके उनको 130 पर रोकना वो काफ़ी अच्छा है। एंड नॉर्मल था बिल्कुल, आई मीन टाइट हो गया था एक सिचुएशन में क्योंकि बैक टू बैक विकेट आ गए थे, अमन का मनीष आउट हुआ फिर अमन आउट हो गया, तो गेम में आ गए थे वापस, बट रन इतने नहीं थे कि हमें 100 के ऊपर के स्ट्राइकर से रन बनाने थे। लकीली अक्षर और ललित वहाँ पे थे क्रीज पे, तो और जॉब ख़त्म किया उन्होंने। तो हमेशा पहली जीत हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फाइट करनी पड़ती है उसके लिए। तो आज जिस तरह से फाइट बैटिंग में भी दिखाई, डेविड वॉर्नर ने जिस तरह से इनिंग खेली है, फिर मनीष की जो पार्टनरशिप उसके साथ वाकई अच्छे थे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, अगर आप विकेट भी निकाल रहे हो, पर अगर आप टीम नहीं जीत रही तो फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। ऑफकोर्स सर, अगर आपकी टीम जीत रही है, आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको खुशी होती है। और मुझे वैसे ही लगा जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, फिर उसके बाद एक जीत की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे आई, वो डेफिनेटली बहुत खुशी की बात। ईशु भाई काफ़ी एक जैसे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे फिटनेस को लेकर, बीमार हो गए थे, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, वीक हो गई थी बॉडी, बट ऑफकोर्स एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करता है। जिस तरह से आपने बॉलिंग की बात की है, जो एक्यूरेट थी एक्यूरेसी जो उनकी दिखी पूरे चार ओवर में वाकई लाजवाब रही है। और ऑफकोर्स अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ उतरते हैं तो कॉन्फिडेंस तो रहता ही रहता है, एट द सेम टाइम बाकी सब प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, खेला इतना क्रिकेट खेला है, और होम ग्राउंड भी कंडीशन बहुत अच्छे से जानते हैं। और इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हमें दिलाए, पावर प्ले में नीतीश को आउट किया, फिर उसके बाद सुनील को आउट किया, तो मैं गेम में बना के रखा, तो ग्रेट गोज टू हिम एंड मैसिव रिस्पेक्ट कि उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया और मैच खेले, क्योंकि अनफिट थे एक हफ्ते से, और उसके बाद जिस तरह से परफॉर्मेंस की बाकी बहुत अच्छी थी।